नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत है आपका चैनल बंक स्ट्रीट में। मैं हूं सर बेसानी। डिस्कस करेंगे IASbaba के डेली करंट अफेयर्स 27 अक्टूबर के लिए। आज 30th है, लेकिन क्योंकि कल ये वीडियो आपको कल मिलना चाहिए था, लेकिन कल ही आपको मिल नहीं पाया, तो मेरे ही मिस्टेक वैसे हुआ, कल ही आपको मिल जाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे तरह से, क्या क्या इसमें दिया हुआ था। सबसे पहले टॉपिक जो है अब लिखेगा, अभी एक राकेश अस्थाना जो अभी एक हुआ था, इशू हो गया था, जो हर किसी को पता होगा यहाँ पे, तो उसी की वजह से क्या यहाँ पे CBI और CVC यहाँ पे होने चाहिए थे, CBI हो गया, ठीक है, CVC होना चाहिए था। तो CBI और CVC के बीच में क्या रिलेशन है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कि अभी देखने को आया, बहुत ऐसा स्टेट मतलब रिपोर्ट आया है जहाँ पे डिसऑनेस्टी और हैरेसमेंट का केसेस हुआ है, कोई कोई ऐसे CBI के टॉप पोजीशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स यहाँ पे जानना है, CBI और CVC के बीच में क्या क्या है। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या था कि CBI जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 1941 में, यहाँ पे ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत ही लाया गया था। और यहाँ पे ये कि ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पुलिसिंग के लिए जो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल एक बॉडी होता वो था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चला रही थी इस बॉडी को, और ये पुलिसिंग का काम करता था, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये डिपार्टमेंट, ये जो DPT का डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग, तो उसके अंदर ही आता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, जो कि देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है, और ये जो CBI है वो भी वो DPT के अंदर आता है। तो बेसिकली क्या है कि CBI का जो भी रिपोर्ट्स होगा वो सीधे प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाता है, बीच में कहीं वो अटकता नहीं। जैसे कि FBI जो काम करता है यहाँ पे US में, वो क्या करता है, सीधे प्रेसिडेंट को जाकर के अपना रिपोर्ट देता है, डोनाल्ड ट्रंप को मिलता होगा रिपोर्ट FBI का, वैसे यहाँ पे CBI का जो रिपोर्ट है डायरेक्टली प्रधानमंत्री को यहाँ पे आकर के मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा CBI जो है वो एक स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। क्यों एक स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, यहाँ पे देखिएगा ऊपर में दिया कि इस पे एक एक्ट के तहत आया था, तो इसको एक स्टेट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसको एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया था, मतलब एक बहुत बड़ा वोटिंग हुआ था उसके तहत इसको बनाया गया था, तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट 65 साल में लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एंटी करप्शन जब स्टार्ट होता तो एक एंटी करप्शन एजेंसी की तरह इसको बनाया गया था, लेकिन अभी ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा एजेंसी बन चुका है जो कि बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ, बहुत कुछ को ये देखता है, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ के ऊपर अपना मतलब काम करता है, क्या क्या इसका डिविजन है। तो इसका एक एंटी करप्शन डिवीजन है जो कि इसका बेस है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन, डायरेक्टरेट एंड प्रोसिक्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का भी इसका मतलब है, ठीक है। टोटली इतना सेक्शन के ऊपर ये अभी भी काम करता है। अब DUNO में देखेंगे क्या है कि डायरेक्टर जो है कि CBI के जो एक्टर हैं, ठीक है, जो कि जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस दिल्ली के हैं, वो ये जो है बेसिकली इनका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पर CBI जो काम करता है, मतलब CBI का जो हेड वो उनका डायरेक्टर है। और यहाँ पे देखेंगे कि CVC एक्ट 2003 में आया था, जैसे 2003 में CVC एक्ट आया तो पहले बहुत पहले ही बन गया था जो हमारा CBI जो है। तो यहाँ पे देखेंगे जो दिल्ली पुलिस का जो टोटल पावर था, ठीक है, या फिर बोला जो CBI का जो पावर था वो उसका पूरा हाथ में, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर CVC इसको जज कर सकता है, फिर CVC जो है वो CBI के ऊपर प्रेशर बना सकता है, उन लोग के ऊपर ध्यान दे सकता है। वो कौन सा सेक्शन है जिसमें CVC उसके ऊपर ध्यान देगा, तो वह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर जो भी चीज़ है वो सब में क्या है कि CBI के ऊपर CVC का पावर चलेगा, ठीक है। CVC का फुलफॉर्म क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसका जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो CBI के ऊपर बस वो एक्ट, मतलब वो जो गलत काम जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में दिया हुआ उसी के तहत इसमें जो बना सकता है पावर बना सकता है। इसके अलावा सारा जो भी इसका पावर है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो CBI है इसमें 2 ईयर का अपना जो कार्यकाल होता है उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है CVC एक्ट 2003 के तहत। CVC एक्ट जो है वो एक मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है कि किस तरह से इसका डायरेक्टर मतलब इसका हेड और भी बाकी जो भी इसका SP के रैंक के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो ऑफिशियल को कैसे मतलब SP या उनसे अबव रैंक के जो भी ऑफिशियल्स है CBI में उसको कैसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसका पूरा एक यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो CVC एक्ट में दिया हुआ है। अब CBI जो है वो 3 मिनिस्ट्री को अपना सब्जेक्ट करता है, इसके अलावा 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जिसको अपना जो है वो जिसके तहत वो आता है। तो 3 मिनिस्ट्रीज यहाँ पे कौन कौन है या फिर 3 मिनिस्ट्रीज ऐसे किस किस से हैं जिससे कि मिल करके ये बना हुआ है फिर हेल्प लेकर के बनता है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो कैडर क्लियरेंस का जो एरिया है वहाँ पे ये अपना थोड़ा काम करता है। इसके अलावा DOPT, ठीक है, मतलब जो आपका पर्सनल ट्रेनिंग होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन बजट और इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन IPS ऑफिसर्स, देखिएगा नॉन IPS ऑफिसर्स का जो इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर भी ये काम करता है। इसके बाद देखिएगा UPSC में जो भी डिप्यूटी स्पीसीज जो होते हैं उनके अबव का रैंक का जो भी सेटलमेंट होता है उसके ऊपर भी CBI काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उसके ऊपर ये काम करता है। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC में जो भी एंटी करप्शन केसेस होते हैं उनके ऊपर जो है ये CBI जो वो काम करता है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा CVI में ही करप्शन यहाँ पे चल रहा है, CBI में करप्शन चल रहा है। यहाँ पे CVC का अगर देखा जाए तो CVC
एक स्टेटूटरी बॉडी है, ठीक है, मतलब एक एक्ट से अंदर आया, यहाँ पे सीबीसी एक्ट के तहत सीबीसी को बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एंटी करप्शन बॉडी में सबसे उच्च स्थान इसको मिलता है सीबीसी, जो इसको एस्टैब्लिश किया गया 1964 में, जब रिकमेंडेशन आया शांताराम कमेटी का, उसके तहत ये क्या हुआ कि इसको 1964 में एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन उसके बाद इसको कोई भी मतलब अथॉरिटी नहीं दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टेटूटरी है। 2003 में आकर जब सीबीसी एक्ट आया तब जाकर के इसको एक स्टेटूटरी अथॉरिटी मिला, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि सीबीआई का जो करप्शन केसेस होता है उस पर सीबीसी काम करता है, ठीक है। सीबीसी का खुद का कोई इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं है, सीबीसी में खुद ऐसा नहीं कुछ ऑफिशियल्स है जो कि जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सीबीसी को हमेशा सीबीआई पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि ताकि उनका जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स है वो लोग, सॉरी जो मतलब उनका जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है या फिर जो सेंट्रल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो भी चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स है वो लोग यहाँ पे काम करे और फिर उसको जो रिपोर्ट है वो सीबीसी को दे। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे सीबीसी का काम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फंक्शंस और पावर जो कि सीबीसी के अंदर है, जो कि सीबीसी का कमीशन एक्ट के तहत उनको मिला है। तो यहाँ पे ये तो सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे सुपरवाइज कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्शंस दे सकते हैं जो भी यहाँ पे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जिसको कि सीबीआई भी कहा जाता है, तो उनको यहाँ पे डायरेक्शंस और यहाँ पे वो लोग सुपरिटेंडेंस दे सकते हैं जो कि ये किसके तहत मिलता है, तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत दिया था। इसके अलावा एक क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ जो कोड होता है जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसको सीआरपीसी भी कहा जाता है, तो उसके तहत कुछ पब्लिक सर्वेंट्स भी हैं जो कि यहाँ पे गलत काम करते हैं उनके तहत ही अपने पावर सुना सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और सेक्शन दिया हुआ, तो सेक्शन 1 ऑफ ए जो है वो यहाँ पे है, उसके तहत क्या है कि ये मतलब ये बेसिकली सीआरपीसी का ही अंदर आता है सेक्शन 1 ऑफ ए, तो उसके तहत ये क्या कर सकते हैं कि जो अपना सुपरिटेंडेंस है वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स होते हैं उन पर भी अपना ये डायरेक्शन दे सकते हैं, वो किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है उसके सेक्शन 8 ऑफ 1 ऑफ बी के अंदर जो है वो ये दिया हुआ है। इसके अलावा क्या करेंगे कि ये इंक्वायर कर सकते हैं कोई भी चीज़ का कॉज और जो भी मतलब कैसे हुआ वो क्या हुआ, तो उसका इंक्वायरी यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी कोई भी अगर गलत काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो उस और वो पावर कहाँ से मिलता है, सेक्शन 8 ऑफ 1 ऑफ सी के अंदर मिला हुआ है। इसके अलावा देखेंगे कि ये कोई भी कंप्लेंट जो कि ऐसा ऑफिशियल्स जो कि मतलब कोई स्पेसिफाइड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 मतलब उस तहत के अंदर जो भी ऑफिशियल्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है, सेक्शन 8 ऑफ 1 ऑफ डी के अंदर जो भी ऑफिशियल्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे प्रोग्रेस जो कि मतलब यहाँ पे होने चाहिए थे कोई स्पेशल कमेटी के द्वारा लेकिन वो नहीं हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीआरपीसी का जो एक्ट है, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 1 ऑफ 8 ऑफ ई के अंदर जो दिया हुआ है तो उसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वो लोग प्रोग्रेस और एप्लीकेशन को भी दे सकते हैं जो कि ऐसे अथॉरिटीज को दिया गया था जो कि बेसिकली बनाया इस तरह इसलिए गया ताकि वो सही तरीके से काम कर सके, तो वो भी इनके हाथ में पावर रहता है कि लोग उनका जो रिव्यू है वो कर सके, सेक्शन 8 ऑफ 1 ऑफ 5 का अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा एडवाइस दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी मैटर्स इन लोगों को दिया जाए कि आपको इसके ऊपर एडवाइस देना तो एडवाइस ही दे सकते हैं, सेक्शन 8 ऑफ 1 ऑफ जी के अंदर ये दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि कुछ ऐसे विजिलेंस कमीशन है, ठीक है, जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के द्वारा चलाया जाता है, DOT के द्वारा चलाया जाता है, तो वो सब के ऊपर भी सुपरिटेंडेंस अपना दिखा सकते हैं क्योंकि सबसे एपेक्स बॉडी है, तो ये अपना सुपरिटेंडेंस दिखा सकता है, तो भी सेक्शन 8 ऑफ 1 ऑफ एच के अंदर दिया हुआ है। तो सेक्शन 8 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रक्स यही कि आपको सेक्शन 8 को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, पूरा सेक्शन 8 का डिटेल दिया हुआ है कि हर सेक्शन का क्या क्या सेक्शन क्या क्या काम होता है यहाँ पे, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 का तहत है ये। इसके अलावा देखा जाए कि अगर सिंपलर वर्ड्स में ये कहा जाए, ठीक है, कि ये क्या है, तो यहाँ पे कोई भी पब्लिक जो करप्शन होता है तो उसके तहत सीबीआई का जो भी रोल होता है उसको सीबीसी क्या करती है, सुपरिटेंडेंस देती है, उसको गाइड करती है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है, और ये बस वही केसेस पे काम करता है जो कि मतलब करप्शन के तहत हो, ठीक है। और सीबीआई जो है बहुत भी और भी हाई प्रोफाइल केसेस जिसको कि देखती है, लेकिन उसमें क्या है सीबीसी का कोई भी पावर वहाँ पे नहीं काम करता है। अब इसके बाद बात करेंगे, पर्सन न्यूज़ है एम.एस. स्वामीनाथन, तो उनके बारे में बात करेंगे, तो इनको पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज मिला है स्वामीनाथन जी को। यहाँ पे क्या है कि एक रिनोड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट है जो ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ काम किए थे, एम.एस. स्वामीनाथन इनका नाम है। इनको पहला अवार्ड मिला है जो कि मतलब वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज का है, तो ये इंडियन एग्रीकल्चर के तहत इनको मिला है। ये प्राइज जो है वो एक प्राइवेट थिंक टैंक इंडियन काउंसिल फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA के द्वारा इनको दिया गया, जिसमें कि $1,00,000 का कैश अवार्ड है, जिसको कि हम लोग अगर ये हम लोग इंडियन रुपीस में करें तो 73 यहाँ पे आपको हो जाएगा
73,45,500 रुपीज़ जो है वो इनको मिलेगा। और ये जो प्राइस है, ठीक है, स्वामीनाथन जब ये रिसीव किए तो उन्होंने उस समय कहा कि देर इज़ नो एग्रीकल्चर विदाउट फार्मर्स, इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ पीपल एंड कैन नॉट बी कमर्शलाइज। तो इन्होंने कहा। अब आज का मेन्स का टॉपिक जो वो डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे क्या टचिंग बेस आज का मेन्स का टॉपिक है। यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया और जापान जो है वो लोग 2006 से क्या करें कि एक एनुअल मीटिंग कर रहे हैं, साथ ही मिलकर ये दोनों काम करते हैं। और उस समय से देखा गया है कि जो कंट्री है वो लोग साथ में मिलकर के बहुत, मतलब पूरा दुनिया को एक तरह से देखते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अब जो आने वाला जो समिट है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों ही ऐसा चीज़ के ऊपर काम करेंगे, यूएस और चाइना जो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम उठ के आ रहा है इन लोग के लिए, तो उसमें मिल करके ये एक कोई ना कोई मतलब यहाँ पे सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे इंडिया और जापान के सामने चैलेंजेस क्या है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे दिया जा रहा है जो ट्रेड टैरिफ जो कि यूएस करता है, ठीक है, यहाँ पे सैंक्शंस जो यूएस देता है ईरान और रशिया के जो सैंक्शंस लगाया हुआ है यूएस से, तो वो सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक यूएस का पहले तो ये है कि सबसे पहले दिक्कत है सैंक्शन, इसके अलावा एक और दिक्कत है कि यूएस को बहुत सारे सिक्योरिटी रेजिम्स है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूएस बहुत तरीके से, क्योंकि भारत को ही मिला हुआ है और जापान को मिला हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत हम लोग करते हैं तो क्या होगा कि हम लोग को मतलब उस सिक्योरिटी एरिया से भी यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। तो हम लोग को ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग को कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे मतलब यूएस सैंक्शन लगा दे या फिर यूएस हम लोग को अपना जो सिक्योरिटी रीजन्स है उससे निकाल दे। अगर यहाँ पे बोला जाए कि इंडिया की अगर बात करें तो यह बहुत ज़्यादा डायरेक्ट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे भारत का जो हम लोग देखिएगा कि अमेरिका के टैरिफ्स जो होता है, यहाँ पे देखिएगा अमेरिका का टैरिफ्स की वजह से क्या हुआ कि भारत का जो जीएसपी स्टेटस होता है, बेसिकली ट्रेडिंग स्टेटस जो होता है, तो वो स्टेटस अभी रिव्यू में है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है वीज़ाज और प्रोफेशनल के ऊपर, तो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा देखा जाए कि यूएस जो है अगर पॉसिबल सिचुएशन हो सकता है कि क्योंकि भारत देखिए भारत बहुत ज़्यादा ईरान के साथ एंगेजमेंट है, रशिया के साथ भी बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट, हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे S-400 MF का जो डील किए हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइटेड है। तो इस वजह से क्या होता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सैंक्शंस लगा सकता है यूएस जो है इंडिया के ऊपर। समय क्या होगा कि इंडिया का जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा टूट जाएगा। अगर जापान में देखा जाए तो यूएस का ट्रेड टैरिफ जो है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि जो वाशिंगटन या फिर यू कहा जाए जो यूएस है वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अपना जो नाम है वो पीछे ले लिया, ठीक है। और ऐसे में क्या हो रहा है कि जो एरिया है ये एरिया टू वहाँ पे यूएस पहले क्या कर रहा था, थोड़ा सा ताकत दिखा ले रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सिर्फ चाइनीज डोमिनेशन में ही ये क्या कर रहा है कि ये जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है वो काम कर रहा है। अब देखा जाए पे यूएस क्या है ऑन एंड ऑफ कर रहा है नेगोशिएशन, जो कि नॉर्थ कोरिया से जो नेगोशिएशन है उसमें क्या हो रहा है कि कभी हाँ भाई हम लोग डिमिलिटराइज कर देंगे, न्यूक्लियर हटा देंगे, न्यूक्लियर पावर हटा देंगे, फिर वो लोग पीछे हट जा रहे हैं, फिर कुछ बोल रहे फिर पिछड़े आ रहे हैं। तो ये भी जापान के लिए बहुत बड़ा दिक्कत होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा एक कॉमन कंसर्न है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों के लिए सबसे बड़ा कॉमन कंसर्न क्या है इंडिया और जापान के लिए कि हमें चाइना का इन्फ्लुएंस को कम करना, क्योंकि चाइना जो है वो हर कंट्री के अंदर घुसते आ रहा है, मतलब हर कंट्री को बेसिकली खरीदते आ रहा है जीडीपी के पावर में, तो वो इन्फ्लुएंस जो है उसको कम करना है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम लोग को मल्टीलेटरल इशूज़ को यहाँ पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या मतलब ऐसा कर सकते हैं कि अपना जो सिक्योरिटी टाइज है वो यूएस के साथ बढ़ा सकते हैं, और जो हम लोग का ट्राइलेटरल या फिर क्वाड्रिलेटरल जो हम इंडो पैसिफिक में फॉर्म किए उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया और चाइना जो है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि अपना जो मतलब एक कॉमन जो नेबर है उनका उससे हम लोग क्या आगे बढ़ सकते हैं। हमें कॉमन अगर मतलब पाकिस्तान की बात की जा रही है तो यहाँ पे उस पर देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या क्या हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे चाइना बेल्ट रोड प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में होते हुए जा रहा है, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है जो कि यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पे बातें चलेंगी कि यहाँ पे अब देखना पड़ेगा किस तरह से लोग को मतलब साथ में लाया जा सकता है। यहाँ पे बायलेटरल नेगोशिएशन की अगर बात करें तो अभी देखा जाएगा कि एक सिंगजान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ठीक है, जो भारत में एक बुलेट ट्रेन बनने वाली है, ठीक है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, तो उसके बारे में बात की गई है, उसका नाम है शिंकानसेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो ये जो है ये काफ़ी स्पीड यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे फाइनेंस देखिएगा बहुत यहाँ पे फाइनेंस के में बहुत इसको स्पीड देखने को मिला है कि पैसा यहाँ पे आराम से मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, आपको जमीन खरीदना पड़ेगा जिसका कि जमीन रास्ता में आ रहा है, तो उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। इंडिया और जापान अगर देखें तो यहाँ पे मिलिट्री एक्सचेंजेस में भी थोड़ा सा बढ़ा है, इंडिया और जापान दोनों साथ में मिलकर के आए हैं। यहाँ पे लैंडमार्क एक्विजिशन के ऊपर देखिएगा दोनों नेगोशिएशन किए। इसके अलावा क्रॉस सर्विसिंग लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट जो है बेसिकली यहाँ का जो शिप्स या फिर कोई भी जहाज प्लेन जो भी खराब हो जाता है तो जापान में आकर के बनाया जा सकता है, फिर जापान का जो यहाँ पे अगर आया हुआ है तो यहाँ पे उसको बनाया जा सकता है, तो उस तरह का जो एग्रीमेंट होता है उसमें काम किया गया। इसके अलावा परचेज किया गया सिनमवाया US-2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए, ये फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है वो एयरक्राफ्ट जिसको कि हम लोग परचेज किए हैं, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पे ये जो है ये एयरक्राफ्ट परचेज किया गया और इसका जो प्रोसीडिंग्स है वो भी पेंडिंग है। बायलेटरल ट्रेड जो है अगर उसमें देखें तो ये यहाँ पे
ट्रेड का जो लेवल है ये दोनों बहुत ही गिरा है। 5 साल पहले इसका ट्रेड बहुत ज्यादा था ये हम लोग दोनों कंट्री के बीच में, जापान और इंडिया के बीच में, लेकिन अब ये गिर चुका है। ठीक है, कंक्लूजन यही है कि इंडिया और जापान बहुत सारे से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जो कि दोनों के लिए ही कॉमन है। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अब इसमें किस तरह का हम लोग को यहाँ पे देखिए जियो पोलिटिकल जो टेरेन है वो काफ़ी ख़राब है। देखिएगा हम लोग अगर सिचुएशन देखिएगा तो हम किस तरह से घेरे हुए हैं चाइना को लेकर के, जापान जो है वो वाटर बॉडी के बीच में क्लाई करता है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस तरह से अब आगे मिलकर हम लोग को काम करना है। क्वेश्चन आज का ये है कि इन चेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया एंड जापान हैज़ अ बिगर रोल टू प्ले फॉर सस्टेनिंग रूल बेस्ड ग्लोबल सस्टेनिंग रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर डिस्कस। तो ये आज का क्वेश्चन है। इसके अलावा इसका सेकेंड जो है हम लोग का डिस्कस करने वाले वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे थिंक स्मॉल दिया हुआ, ठीक है, हम लोग को छोटा सोच रखना चाहिए। यहाँ पे क्यों छोटा सोच रखना चाहिए वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भारत का जो इंडिया का जो सैनिटेशन है वो सबसे खराब अवस्था में अभी देखा जाए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे लोग टॉयलेट बना दिए, ठीक है, जैसे हम लोग स्वच्छ भारत अभियान था तो खुला में कोई शौच नहीं करेगा, बाथरूम बना दिया गया, ठीक है, यहाँ पे हर कोई जो एक्सक्रीटा है वो जाकर के जो लेजिटिमेट यहाँ पे जो जहाँ पे निकालना चाहिए वहाँ पे निकालता है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि अभी भी वहाँ पे निकालने के बावजूद उसका 87 जो फेशियल स्लज है वो क्या किया जाता है कि वहाँ से टॉयलेट से निकाला जाता है और कहीं पे मतलब वाटर बॉडीज में या फिर कहीं पे ओपन लैंड में क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो क्या फ़ायदा हो यार, आप तो मतलब उसको ओपन में ही कर रहे थे, वो ज़्यादा बेटर होता था वैसे तो। यहाँ पे ये बोला है कि स्टडी अगर कंडक्ट किया गया है जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट उसके तहत अगर बात करें, तो अगर यूपी में यूपी की अगर बात करें, ठीक है, तो यूपी में यहाँ पे बात किया गया तो हमें बेसिकली बहुत ख़राब यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला है। 2030 के अगेंस्ट जो गोल है हम लोग का, अगर उसके तहत हम लोग ये चीज़ देखें कि हम लोग क्लीन वाटर सैनिटेशन यहाँ पे चाहिए जो कि यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा था, ठीक है, हम लोग कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे 17 टारगेट्स हम लोग के, तो वो जो टारगेट्स है उसके तहत देखिए हम लोग एक क्लीन वाटर सैनिटेशन जो था वो भी चाहिए था। तो उसमें क्या था कि यहाँ पे वो अगर हम लोग गोल अचीव करना है तो यहाँ पे हम लोग को काम करना है, लेकिन ये जैसा काम हो रहा है ना उसमें हम लोग को कुछ मतलब ऐसे तो हम लोग को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये जो चार्ट है उसको हम लोग डिस्कस किए थे 2 दिन पहले, तो इसको वापस इन्हें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या यहाँ पे स्टेट के द्वारा यहाँ पे स्टेप्स लिया गया और उसका क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। तो स्टेट जो है वो सपोर्ट करे कि हम लोग यहाँ पे हाउसिंग और प्लान डेवलपमेंट को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, अर्बन नेशनल सैनिटेशन, तो यहाँ पे सॉरी मैंने गलत कह दिया, यहाँ पे ये है कि स्टेट जो है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो सपोर्ट है वो काफ़ी उतना बड़ा नहीं है। पहले भी जब 2008 में ये पॉलिसी आया था तब भी वैसे ही सपोर्ट था, अभी भी वैसे ही सपोर्ट है, मतलब कुछ अच्छा यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला नहीं है। यहाँ पे अगर नेशनल स्केल की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट 2015 ये एस्टिमेट लगाता है कि 65,000 टन्स ऑफ एस्क्रीटा जो कि मतलब इंसान यहाँ पे निकालता है तो उसको एनवायरमेंट में ऐसे फेंक दिया जाता है, उसको मतलब ट्रीट नहीं किया जाता, अनट्रीटेड होता है। ठीक है, अगर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात करें तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट लेके अरे प्रॉमिस के ऐसे काम मतलब ये बोल रहा था वैसे ही किया, लेकिन यहाँ पे सीएससी के द्वारा जो स्टडी है उसमें ये बहुत सारा छोटा मोटा बात जो कि दिखाई नहीं देता इंसान को वो बताया गया है कि अभी जो फिजिकल स्टज है वो क्या किया जाता है कि यहाँ से निकाला जाता है हाउस होल्ड से वो नॉर्मल लैंड में और वेटलैंड से फेंक दिया जाता है। तो इससे मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा, आप उसको बेसिकली लोग अलग अलग नहीं जाकर के एक ही जगह उसको फेंका जा रहा है, ये पूरा काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट जो है, ठीक है, इसको सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया जा रहा। यहाँ पे देखिए पहले देखा जाएगा आपको, यहाँ पे मैनुअल लेबर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब इंसान यहाँ पे करते हैं तो वो एक ख़राब बात है, यहाँ पे बेसिकली वो चीज़ नहीं होना चाहिए। नया अप्रोच क्या है वो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सीएससी का जो स्टडी है वो क्या क्या किया जाएगा, यहाँ पे देखिए वो स्टडी के साथ साथ और क्या आया कि यहाँ पे मैपिंग एक्सरसाइज आया कि हम लोग यहाँ पे मैप बनाएंगे, देखेंगे किस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रीम्स है, ठीक है, वो किस तरह से फिजिकल वेस्ट को लेकर के बहता है उसका टोटल यहाँ पे डिटेल्स होगा। यहाँ पे कलेक्शन देखा जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे स्लज का कनेक्शन किया जाता है, यहाँ पे किस तरह से उसको बहाया जाता है वाराणसी अलाहाबाद अलीगढ़ और ऐसे कुछ सिटीज़ जो हैं, और उसमें देखा गया कि 10-30% को भी सही तरीके से कलेक्ट करके बहाया जाता है, तो वो देखा गया आपको। इसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे नया अप्रोच का यहाँ पे समय है, यहाँ पे देखने पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो पावर है ना कि सेंटर के पास पावर है फिजिकल स्लज को मैनेज करने का, तो उसको डिसेंट्रलाइज करके यहाँ पे स्टेट के हाथ में पावर देना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी टू क्लीन गंगा की तरह से। देखिए सेंटर क्या करता है, यहाँ पे जिस तरह का स्ट्रेटेजी गंगा को क्लीन करने में अप्लाई करता है उसी तरह का स्ट्रेटेजी जो है वो फिजिकल स्लज को ट्रीट करने के लिए अप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, गंगा को क्लीन करने का काम सेंटर ही करे क्योंकि वो बहुत सारे स्टेट्स होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ पे जो स्लज को ट्रीट करने का काम है वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको बेसिकली स्टेट्स को देना पड़ेगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है
क्लीन गंगा स्ट्रैटेजी जो है वो किसके ऊपर भरोसा रखता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, क्लीन गंगा स्ट्रैटेजी में क्या किया जाता है कि जो गंगा है उसके साइड वाइज क्या किया जाता है, बहुत सारे सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट्स है उसको बनाया जाता है। उसमें क्या कहते हैं, जो सिटीज और रिवर्स है उससे सारा ट्रीटमेंट जो भी फिजिकल स्लज आता है उसको हमें ट्रीट करके उसको नॉर्मली अच्छा जो बना करके वो बहाया जाता है। तो इस तरह का काम करता है गंगा। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो नॉर्मल यहाँ पे जो काम चल रहा है, ठीक है, जो स्वच्छ भारत सॉरी ये जो फिजिकल स्लज का जो टॉपिक है उसके तहत अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे वो सब क्या है कि गंगा तक पहुंच ही नहीं पा रही है, या फिर वो कोई वाटर बॉडी मेजर वाटर बॉडी बस नहीं पहुंचती है, वो आसपास को जो भी वेटलैंड या फिर ओपन एरिया या फिर छोटा मोटा जो वाटर बॉडी है वहां पे ही डंप कर दिया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे कॉज कुछ ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो उसको यहाँ पे सही करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे यहाँ पे और एक बहुत ज्यादा क्या है कि यहाँ पे देखिए डिजीज का बर्डन बढ़ जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इतना सब कुछ जो काम कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, यहाँ पे जन आरोग्य अभियान हो गया, या फिर ये सब जो भी हम लोग का आयुष्मान जो प्रोजेक्ट है वो हो गया, तो वो सब किसके ऊपर काम करता है, वो बेसिकली हम लोग इंसान को हेल्दी रखने के ऊपर काम करता है। क्योंकि अभी का जो प्रधानमंत्री है उनका ये मानना है कि हम लोग इंसान को अगर हेल्दी रहेगा इंसान तभी इंसान क्या है कि तरक्की कर सकता है, ठीक है। अगर इंसान हेल्दी ही नहीं रहेगा तो इंसान तरक्की कैसे करेगा, मेरा घर वाला का भी यही मानना है बेसिकली। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर ऐसा ही चीज़ है, अगर डिजीज फैल ही रहा है तो उससे क्या फायदा होगा, तो यहाँ पे उस चीज़ को हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे वे फॉरवर्ड यह है कि यहाँ पे देखिए एक इमीडिएट इंटरवेंशन जरूरत है, यहाँ पे एक इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है, जबकि बहुत छोटे छोटे लैंड में देखा जाए कि कहाँ पे ट्रीटमेंट सिस्टम्स बनाए जा सकता है, और जो कि हाउस होल्ड के पास होता है कि हाउस होल्ड वहाँ पे आराम से अपने डिस्चार्ज है वहाँ पे भेज सके, ताकि तुरंत वो जो है ना एक छोटे छोटे जगह से क्या हो सके कि बड़ा काम हो सके, ठीक है ना। बूंद बूंद से जैसे सागर बढ़ता है तो उसी तरह का हमें बात करने की बात की गई है, ठीक, मतलब काम करने की बात की गई है बेसिकली। यहाँ पे बिजनेस हम लोग को यहाँ पे ऐसा जो बिजनेस है, देखिए टैंकर ट्रक्स का यहाँ पे जो बिजनेस होता है, जहाँ की मतलब एक मैनुअल इंसान नहीं जाकर के एक टैंक ही जाता है, वहाँ पे जो एक पाइप रहता है उसके तहत क्या होता है कि उससे क्या किया जाता है, टंकी से जो भी फिजिकल स्लज होता है वो निकाला जाता है। तो यहाँ पे उसको लाने की बात की जा रही है कि उसको तो पहले प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा, वहाँ पे उसको प्रोफेशन की तरह देखना पड़ेगा, इसके अलावा उसको डिस्टिग्मेटाइज करना पड़ेगा, मतलब एक इंसान के दिमाग में रहता है कि नहीं भाई ये मतलब अच्छा नहीं है कि एक टैंकर आके निकाले, उससे बेटर क्या होगा कि किसी इंसान को बुला लेता है वो मैनुअली निकाल देगा। तो उसको जो स्टिग्मा इंसान के दिमाग में जो बैठा हो उसको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक ये इनएक्सेप्टेबल है कि अभी भी मैनुअल स्कैवेंजर्स को भेजा जाता है, जो कि इंसान में एक नॉर्मली इंसान जाकर के क्या करता है, टंकी खाली करता है, तो वो काफी खराब है। यहाँ पे देखिए एक लॉ का वायलेशन है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत आसानी से वो जो इंसान होता है वो डिजीजेस के तहत क्या होता है कि मतलब उसको डिजीज आराम से हो सकता है, और अगर एक इंसान को कोई रेयर डिजीज लग गया, मतलब बेसिकली ऐसा डिजीज जो किसी को पता नहीं है वो डिजीज इंसान को लग जाता है, तो वो फिर फैलने का डर होता है। तो फिर इस कंडीशन में एक भी इंसान अगर वैसा अवस्था में जाता है तो काफी डर की बात है, वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोला कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि सैनिटाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, कि उसको बिजनेस की तरह देखना पड़ेगा, उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो गोल नंबर 6 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वो देख सके। देखिए आप आज जाकर गूगल में बताइए कि क्या है, गूगल में मतलब देखिएगा और हम लोग को बताइएगा, अच्छा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि गोल नंबर 6 क्या है, ठीक है, क्योंकि आपको 17 गोल याद करना होगा, कोई मतलब मर्सी नहीं है, 17 गोल आपको याद करना ही है, तो गोल नंबर 6 बताइएगा कि क्या है। यहाँ पे इसके अलावा बोलेंगे कि एक लार्ज स्टेट देखिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एक स्टेट है, तो यहाँ पे देखिएगा कि एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि पूरी दुनिया को दिखाए, पूरे भारत को दिखाए कि किस तरह का काम यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है, और किस तरह से यहाँ पे सक्सेस है वो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बहुत अच्छा सेंटेंस दिया हुआ लास्ट में। कंटिन्यू नोट्स में आया क्वेश्चन है कि डिसेंट्रलाइज्ड स्लज मैनेजमेंट सिस्टम आई वाइटल टू अचीव क्लीन वाटर गोल्स फॉर एसडीजी बाय 2030 एलुसिडेट, तो इसका आपको आंसर देना है। इसके अलावा देखेंगे कि आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई किसके रिकमेंडेशन में बनाया गया था। यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता आंसर क्या होगा, ठीक है, तो आप आंसर बताइए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए आंसर मैं बताई देता हूँ, इसका आंसर नंबर 1 है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कि जो सेंट्रल विग्नेस कमीशन के ऊपर कुछ यहाँ पे टॉप पॉइंट्स दिया हुआ है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो एपेक्स बॉडी है, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप की गई थी रिकमेंडेशंस में शांताराम कमेटी रिपोर्ट का। इसके अलावा जुरिस्डिक्शन जो है, ठीक है, जो कमीशन का वो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के ही ऊपर जाती है और कहीं पे नहीं जाती है। इसके अलावा और ही बात की गई है कि ये जो है ये सुपरिटेंडेंस क्या करते हैं, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एग्रीमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है फिर सीबीआई जो है उसके अपना उसके ऊपर जो सुपरिटेंडेंस है वो अपना दिखा सकती है। तो इसका आपको आंसर देना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये कुछ स्टेटमेंट है सीबीसी और सीबीआई के बीच में, तो उसका वो बताना है। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसको एस्टेब्लिश किया गया था एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो ये आपको ये एक है। इसके अलावा देखिए ये जो सीबीसी है उसका
एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सांथानम कमेटी के द्वारा किया गया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए। इसके लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई, वो रिकमेंडेशन किया गया था सांथानम कमेटी के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए। तो इसका कौन सा आंसर इसका, इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर या फिर AAGC जो है वो एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है किस किस की गवर्नमेंट के बीच में। तो आपको बताना कौन कौन सा यहाँ पे गवर्नमेंट है जो कि इसके ऊपर काम करती है। यहाँ पे एक और होना चाहिए था, अफ्रीका भी होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया, जापान और अफ्रीका यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेसिकली इंडियन या फिर एशियन का जो बहुत सारी कंट्रीज है, जापान और अफ्रीकन जो कंट्रीज है उसको मिला करके यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो ग्रोथ कॉरिडोर उसको बनाने की बात की जा रही है। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो हो चुका है, तुम्हारा वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है वीडियो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट्स में बताइएगा। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।